आज हम पढ़ते हैं सम बेसिक सेंटेंसेस। व्हाट इज बेसिक सेंटेंसेस? डब्ल्यू एच फैमिली। डू यू नो व्हाट इज डब्ल्यू एच फैमिली? डब्ल्यू एच फैमिली मीन व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ मैनी, हाउ मच एंड आल्सो डू एंड डिड। ठीक है दोस्तों, डब्ल्यू एच फैमिली क्या होता है? डू और डिड। ये डू और डिड भी क्या डब्ल्यू एच फैमिली से ताल्लुक रखते हैं? तो यस, ये भी इससे ताल्लुक रखता है। डू और डिड भी डब्ल्यू एच फैमिली से ताल्लुक रखता है। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या है? अब ये कि बहुत लोगों को इस चीज पे होता है कि यार फलाना बंदे ने ये जुमला बोला है, ये ठीक है, ये हालत है। अक्सर लोग कहते हैं वेयर आर यू गोइंग, अक्सर कहते हैं वेयर यू आर गोइंग। हम सुन के कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे वेयर आर यू गोइंग वाला सेंटेंस जो है ये ठीक है, या वेयर यू आर गोइंग वाला सेंटेंस जो है ये ठीक है। तो फ्रेंड्स, दीज बोथ सेंटेंसेस आर राइट। ये दोनों जुमले अपनी अपनी जगहों पर ठीक है, लेकिन इनके मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं। अगर तो आप किसी से ये पूछना चाहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो उस जगह पर तो आप वेयर आर यू गोइंग का इस्तेमाल करेंगे तो वो ठीक होगा। लेकिन अगर आप किसी से ये पूछ रहे हैं, ये कहना चाहते हैं कि जहां आप जा रहे हैं, तो वहां पे फिर वेयर यू आर गोइंग आ जाएगा। मामूली सा डिफरेंस है, लेकिन गौर करें तो पूरा मीनिंग्स चेंज हो जाता है। जहां पे हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है तो वो सवालिया बन जाता है, और जहां पे हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बाद आता है तो वो एक सिंपल सा सेंटेंस बन जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल आप यूं देखें, आई एम गोइंग वेयर यू आर गोइंग। मैं जा रही हूं जहां आप जा रहे हो। नाउ कंसंट्रेट ऑफ दिस सेंटेंस। What are you doing? What you are doing? These both sentences are different, but they are right. These meanings are different. ठीक है? It gives different meanings. ठीक है? ये मुख्तलिफ मीनिंग्स देते हैं, लेकिन ये ठीक है, जुमले दोनों गलत नहीं है। सही? अब मैंने कहा व्हाट आर यू डूइंग और व्हाट यू आर डूइंग, इन दोनों में फर्क क्या है? व्हाट, अगर तो आप किसी को ये पूछना चाहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तब तो व्हाट आर यू डूइंग ठीक है। लेकिन अगर आप ये किसी को कहना चाहते हैं कि जो तुम कर रहे हो, तो तब व्हाट यू आर डूइंग आएगा। मैं वो कर रहा हूँ जो तुम कर रहे हो। आई एम डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। अंडरस्टैंड? आई एम डूइंग What you are doing. तो ये मामूली मामूली फर्क होता है, ठीक है, इनके मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं। बहुत लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो क्वेश्चन करते हैं when your mother will come, ठीक है, उनका बेसिकली उनका जहन ये कह रहा होता है कि मैं इससे पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी माँ कब आएगी, जबकि सेंटेंस तो है ठीक, लेकिन मीनिंग्स के लिहाज से ठीक नहीं है। अगर आप किसी से ये पूछना चाहते हैं कि तुम्हारी माँ कब आएगी, तब तो when will your mother come, तो ये सेंटेंस ठीक है। लेकिन अगर आप किसी से ये कहना चाहते हैं कि जब तुम्हारी माँ आएगी तब हम ये काम करेंगे, या तब हम ये काम शुरू करेंगे, या तब हम खाना खाएंगे, तो उसके लिए आप फिर कहेंगे when your mother will come we will do it। We will start our lunch when your mother will come.
जब ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आ जाता है तो फिर ये सवालिया नहीं कहलाता। ठीक है, अब देखिए एक छोटा सा, मैं आपको थोड़ा सा जुमला, छोटी सी एक आपको चीज और समझा दूं। ये डू और डिड, हम कहते हैं भाई तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग, क्या तुम जाते हो, डू यू गो। हम कहते हैं यार, हमने कहा व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तो इसमें भी क्या आया है, और हम कहते हैं क्या तुम जाते हो, इसमें भी क्या आया है। लेकिन जब इंग्लिश में हम ट्रांसलेट कर रहे हैं तो इसमें व्हाट क्यों नहीं आया भाई, यहाँ पे डू यू कम या डू यू गो क्यों आया है, क्या तुम जाते हो या क्या तुम आते हो, डू यू कम या डू यू गो, यहाँ पे वर्ड क्यों नहीं आया। छोटा सा और आसान से डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ। देखे, क्या तुम जाते हो, डू यू गो, ठीक है, सही है, तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। अब यहाँ पे वर्ड क्यों आ गया, पहले पे वर्ड क्यों नहीं आया, तो आसान सा सेंटेंस, जब ये क्या का लफ्ज जो है उर्दू में ये जुमले से, सब्जेक्ट से, फाइल से पहले आ जाए तो वहां पे व्हाट नहीं इस्तेमाल होता, ठीक है। और जब ये जुमले से, फाइल से, सब्जेक्ट से बाद में इस्तेमाल हो, मतलब तुम क्या करते हो व्हाट डू यू डू, या तुम क्या कर रहे हो व्हाट आर यू डूइंग, तो यहाँ पे व्हाट आता है। बिल्कुल इजली तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, जब क्या का लफ्ज सेंटेंस के शुरू में आ जाए उर्दू में तो फिर डू आता है या डिड आता है, ठीक है, या हैव आएगा या हैज आएगा। लेकिन ये क्या जब दरमियान में आ जाए तो फिर व्हाट, वेयर या व्हेन का इस्तेमाल होता है। आ गई समझ, ये मामूली सा फर्क होता है जो हम बेसिकली बोलते हैं, डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम इसके एक्चुअली मीनिंग्स पर कंसंट्रेट नहीं करते। तो वी शुड कंसंट्रेट, व्हाट आर यू स्पीकिंग, व्हाट आर वी राइटिंग, ओके। तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा लेसन, छोटी सी वीडियो आपको समझाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए लेसन के साथ। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज, गॉड ब्लेस यू।